हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल फूडीज कॉर्नर। आज हम बनाएंगे लिट्टी चोखा। लिट्टी चोखा एक बिहार की बहुत ही ट्रेडिशनल डिश है, जिसे बारिश या सर्दियों में बनाया जाता है, बट आप इसे किसी भी मौसम में बनाएं, ये बहुत ही टेस्टी लगती है। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्लीज डू कमेंट। लिट्टी चोखा बनाने के लिए हमने लिया है आटा, सत्तू। अगर आपके पास सत्तू नहीं है तो आप भुने हुए चने की दाल लेकर इसे ग्राइंड कर सकते हैं। मिर्च का अचार, बारीक कटा हुआ प्याज, कलौंजी, लहसुन, मिर्च, तेल, नमक, बेकिंग पाउडर, आलू, टमाटर, बैंगन। अब हम देखते हैं चोखा कैसे बनाया है हमने। चोखा बनाने के लिए हमने बैंगन को इस तरीके से काट लिया है और देख लिया है कि इसमें कोई कीड़े तो नहीं। हमने इसमें हल्का सा ऑयल और नमक लगाया है ताकि ये पानी ना छोड़े जब हम इसे भूंजे। आप इसे अब इसे गैस पे रख दीजिए। हमने आलू और टमाटर को भी भूंज लेना है तो हम इन्हें साइड में लगा देंगे। अब इसे थोड़ी देर बाद हम पलट देंगे। बैगन हमारा हो चुका है, हम इसे निकाल लेंगे। टमाटर भी हमारे हो चुके हैं, इन्हें हम निकाल लेंगे। आलू थोड़ा सा टाइम लगेगा, आप चाहें तो आलू माइक्रोवेव में भी भून सकते हैं। हम टमाटर को इस तरीके से छील लेंगे, सारा छिकल निकाल लेंगे। आप देख रहे हैं बैगन ने बिल्कुल भी पानी नहीं छोड़ा है और इसके हमने कवर बहुत इजीली निकाल लिया है। आलू भी हमारे हो गए हैं, इन्हें हम छील लिया है हमने इस तरीके से। अब हम इसे अच्छे से मैश कर लेंगे। अब हम इसमें हरी मिर्च, बारीक कटा प्याज, नमक, हरा धनिया डालेंगे। 2 से 3 चम्मच आप इसमें कड़वा तेल डालें, सरसों का तेल, और इसे अच्छे से मिक्स कर लें। चोखा हमारा रेडी है। अब हम देखेंगे कि हमने बाटी की स्टफिंग कैसे बनाई है। हमने सत्तू में बारीक कटा हुआ प्याज डाल दिया है, लहसुन, हरी मिर्च, कलौंजी। कलौंजी को हमने भूंज लिया था पहले ही, आप इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए। अब हम इसमें अपने लाल मिर्च का अचार डाल देंगे। आपके पास लाल मिर्च का अचार ना हो तो आप आम के अचार का मसाला भी डाल सकते हैं। इसे आप अच्छे से मिक्स कर लीजिए। अब हम इसमें थोड़ा सा हरा धनिया और नमक डालेंगे। नमक आप कम डालें क्योंकि लाल मिर्च के अचार में भी नमक होगा। आप चाहें तो ये मिर्च के छिकल निकाल सकते हैं। आप इसमें थोड़ा सा पानी छिड़क दें ताकि जो हमारा मिक्सचर है मॉइस्ट हो जाए और फिल करने के टाइम पे इजीली हो फिल हो जाए। अब हम देखते हैं हमने अपना लिट्टी कैसे बनानी है या बाटी। हमने एक आटा लिया है, उसमें 1 से 2 टेबलस्पून ऑयल डाला है, 1 से 2 टेबलस्पून बेकिंग पाउडर, नमक। इसे आप अच्छे से रब कर लें और इसमें धीरे धीरे पानी ऐड करें। आटा हम थोड़ा सा टाइट लगाएंगे और इसे बहुत ज्यादा गूंदना नहीं है, आप ऐसे ही हाथ से इसको रगड़ रगड़ के हल्का सा टाइट आटा लगाएंगे। आप देख रहे हैं आटा हमारा लग चुका है। इसमें हम थोड़ा सा ऑयल लगा के इसे 15 से 20 मिनट के लिए रेस्ट होने के लिए रख देंगे। आटा हमारा हो चुका है। अब हम इसकी छोटी छोटी लोई काट के इस तरीके से इसको राउंड कर लेंगे। अब हम एक बीच में इंप्रेशन लगा के इसे कटोरी का शेप देकर इसमें अपनी फिलिंग भर लेंगे और इसे दबाकर बंद कर देंगे।
इस तरीके से और इसे हल्का सा प्रेस करेंगे। बाटी हमारी रेडी है, हम इसे माइक्रोवेव में 180 डिग्री पे 20 से 25 मिनट के लिए रख देंगे। बाटी हमारी हो चुकी है, इनको हम टर्न कर देंगे और इन्हें अगले 20 मिनट के लिए और रख देंगे। बाटी हमारी रेडी हो चुकी है, अगर आपकी बाटी जरा सी भी सॉफ्ट है तो आप इसे अगले 5 मिनट के लिए और रख दें। अब हम इसे प्लेट कर लेंगे। चोखे के साथ में हमने हरी चटनी भी बनाई है, आप इसे घी में डिप करके खाएं, ये बहुत ही टेस्टी लगती है। थैंक यू।